साधु की दाढ़ी देख रोहिंग्या मुस्लिम समझकर पीट डाला। ग्रामीणों ने भिक्षा मांगते पकड़ा था। दरअसल दो युवकों को हाट पिपलिया के देवगढ़ में साधु के वेश में गलती से ग्रामीणों ने पीट दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच करने पर युवक अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी निकले। वे हाल फिलहाल इंदौर में निवासी हैं, जो जोगी समाज के होकर मांगने का कार्य कर घर चलाते हैं। अब दोनों युवकों को पीटने का वीडियो हो रहा वायरल। मामले में हाट पिपलिया पुलिस ने बताया कि जांच में दोनों साधु का अन्य समुदाय होना नहीं पाया गया है। वे हिंदू धर्म से संबंधित होकर जोगी समाज के हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि वो कहाँ पे निवासरत हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि वो 8 मील जो कि थाना खुड़ैल का क्षेत्र है वहाँ पे निवास कर रहे हैं, अपने परिवारों सहित निवास कर रहे हैं। उस सूचना पर से तस्दीक के लिए प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह गौतम को भेजा गया था। महेंद्र सिंह गौतम वहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा उनके परिवारों को चेक किया गया है। वहाँ डेरा है, 8 से 10 परिवार निवास कर रहे हैं जो कि जोगी समुदाय के हैं। ये जोगी समुदाय उत्तर प्रदेश का है, संजोगी समुदाय, जो कि भिक्षा वृत्ति करके जीवन यापन करता है। लोकल जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको चेक किया था। इसमें से एक व्यक्ति की जो दाढ़ी है वो उस तरीके से है जैसे मुसलमानी दाढ़ी होती है, और थोड़े से बाल उसने डाय कर रखे सुनहरे कलर में, राहुल पिता परशुराम जो भी नाम है उसका, उसका उलिया उन लोगों को संकेत लगा था। फिर इन लोगों ने उनसे धर्म के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में सवाल पूछे थे, तो किसी के पास भी उन चीज़ों का राहुल को जवाब नहीं देते आता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा कम है। तो उससे लोगों को ऐसा लगा कि वो व्यक्ति हैं जो बाहर से घूमने आते हैं और फिर यहाँ पे आके वारदात करते हैं। टीवी पे भी ऐसा दिखाया जा रहा है कई न्यूज़ चैनल्स में कि जो बांग्लादेशी मुसलमान है रोहिंग्या वो आते हैं और आके साधु के वेश में इस प्रकार से वारदात करते हैं। तो आम जनता में जागरूकता थी, इस कारण से आम जनता ने उनको लाके थाने पे हमारे को प्रस्तुत किया था। उस प्रस्तुतिकरण के आधार पे हमने इनका पूरा गांव, इनका पूरा सब चेक किया है। चेक करने के आधार पे ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश अमेठी के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें बैंक ऑफ भूटान का 20 रुपये का एक नोट मिला है और साथ में बैंक ऑफ नेपाल का 5 रुपये का एक नोट मिला है, जो कि इन्होंने ऐसा बताया है कि ट्रक वालों से भिक्षा मांगते हुए कई ट्रक वाले इनको दे गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने न तो किसी से कोई किसी प्रकार की कोई अश्लील या अभद्र भाषा का प्रयोग किया, नहीं कोई मारपीट की है, और इनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश है। ये योगी जोगी समुदाय के हैं, ये कंफर्म हो चुका है, और इनके सहमति देने पे इनका मेडिकल भी कराया गया है। मेडिकल पे से नॉट सर्कमसाइज्ड, ये ओपिनियन डॉक्टर साहब द्वारा व्यक्त किया गया है, जो कि पूर्णतः प्रमाणित करता है कि इनकी सुन्नत नहीं हुई।